हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें सालाना उर्स पर अजमेर के कैड विश्राम स्थल में लगा सबसे बड़ा मेला। यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और उनके रहने के लिए क्या क्या इंतजाम है वो आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वो खाजा देता है, यहाँ कोई क्या देगा, देने वाला वो बैठा है। हाथी रोचा घोड़ा 150 का जोड़ा, फरजाना रिहाना अफसाना, इधर को आना 150 में दो लेके जाना। इधर 100 रुपए वाली आइटम हम उन जायरीनों को आपके माध्यम से जो आएंगे 750 रुपए में देंगे। अच्छा, ये 750 रुपए का है हमारे पास, ठीक है ना। हर चीज की फैसिलिटी है, पानी की है, संडास की है, बाथरूम की, हर चीज की सुविधा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख, और अगर आप अजमेर शरीफ उर्स में आ रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरी जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 812वां उर्स लग चुका है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायड विश्राम स्थल में। कायड विश्राम स्थल में पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने से, गांव से, कस्बों से बसों के रुकने का इंतजाम होता है, और यही कैड विश्राम स्थल में जायरीनों के लिए रहने का भी बेहतरीन मुफ्त में इंतजाम किया जाता है। तो हम आपको लेके चलेंगे कैड विश्राम स्थल, वहां पर रहने का इंतजाम कैसा है, पीने के पानी के लिए कैसा इंतजाम है, और बसों का क्या इंतजाम है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उर्स में आने वाले जायरीनों की बसें यहां पर पार्किंग की जाती है। ये कैड विश्राम स्थल में ये बसें पार्किंग की गई है। यहां से दरगाह शरीफ आने और जाने के लिए राजस्थान सरकार ने बसों का बहुत बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है। विजेता नगर के चालक अपने वाहन को आगे लीजिए। जायरी ने ख्वाजा की खिदमत में ये बसें लगाई हुई है। राजस्थान सरकार की तरफ से ये बसें लगी है, जो यहाँ से कायर से दरगाह जाने के लिए, हमारा चौराहे तक जाने के लिए मात्र किराया 10 रुपए, छोटा हो बड़ा हो 10 रुपए सिर्फ किराया है। आने का किराया मात्र 8 रुपए है, जो कि बसें लगी हुई है, और राजस्थान सरकार ने अलग अलग टिकट की योजना बनाई है जाने की सुविधा के लिए। कितनी बसें यहाँ पर लगे? अभी 60 बसें चल रही है, और अभी बढ़ेंगी, और अभी बढ़ेंगी बसें, और बढ़ेंगी जी। अभी आई हो, और वहाँ से जब बैठते हैं वहाँ से काम मिलती है, अजमेर शरीफ जगह से लौटते हैं। महादेव ढाबा दौलतबाग पौना चौराहे से ये बसें बैठती हैं, वहाँ खड़ी रहती है, वहाँ हमारा कैंप लगा हुआ है, वहाँ से भी यही सुविधा है। वहाँ से क्या चार्ज लगता है? वहाँ से 8 रुपए किराया मात्र, यहाँ से जाते हुए 10 है, यहाँ से जाने में 10 है। चलिए ठीक है, जा रहे हैं ना। कितने दिनों तक रहेगा अभी ये कैंप? ये कैंप 19 तारीख तक रहेगा, और यहाँ क्या है, चांद की 1 तारीख से 10 तारीख तक ये कैंप रहता है। और यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किया गया है। कायड विश्राम स्थल से अजमेर शरीफ जाने का सिर्फ 10 रुपया किराया है, और वहाँ से अगर आप वापस आते हो तो सिर्फ 8 रुपये है। ये बसें आपको कायड विश्राम स्थल के 10 नंबर गेट से मिल जाएगी। हमारी गाड़ी 24 घंटे में राजस्थान रोड की सेवा उपलब्ध है। जाने का किराया 10 रुपये, आने का किराया 8 रुपये है। खूब बसें लग रखी है, जायरीनों के लिए खूब सुविधा कर रही है राजस्थान रोड। कब से कब तक चलती है? 24 घंटे उपलब्ध है, जब भी जायरीन जावे, जब भी जावे 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। अभी यहाँ मेले में अभी कितने लोग, कितनी बसें यहाँ आ चुकी बाहर से, और कितने आने की? और यहाँ से 120-130 बसें तो आ चुकी बाहर की अभी तक। अच्छा, और भी आएगी अभी, और आने का है, रास्ते में चल रही है, वो आने वाली है, उनके लिए हम सेवा में तैयार खड़े हैं, बिल्कुल हाजिर खड़े हैं यहाँ पे। हमारी परिचालक नागौर डिपो, नागौर डिपो से आप अजमेर आए हैं, तो आपकी क्या यहाँ पर सर्विस चल रही है? सर्विस चल रही है यहाँ से गाइड से अजमेर, वो महादेव का ढाबा। हाँ, और महादेव का ढाबा से वापस गाइड। तो क्या इसका क्या रेट है, क्या किराया है? इधर से जाने का तो 10 रुपए, उधर से आने का 8 रुपए। तो 10 रुपया तो ठीक है, लेकिन आते टाइम जो 8 रुपए है, हाँ, तो उसमें जायरीनों को कुछ परेशानी तो नहीं हो रही आपको चेंज वगैरह देने में? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन चेंज भी थोड़ा बहुत रहता तो है, लेकिन हमारे पास चेंज रखते हैं, और क्या करें। आइए हम बस के अंदर चलते हैं और कुछ जायरीनों से बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राजस्थान सरकार की तरफ से ये परिवहन सेवा की गई है,
और यहाँ पर सब आशिक है, गरीब नवाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब जियारत करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने आई, हम इनसे में से कुछ लोगों से जानते हैं कि किसका पहला सफर है और क्या। कहाँ से आए आप? झारखंड से। तो पहली बार दरबार में जा रहे हैं आप? इसके पहले गए हैं? पहली बार आए थे। पहली बार आ रहे हैं? अभी पहली बार जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा इंतजाम लग रहा है आपको? काइड विश्राम स्थल अच्छा लग रहा है। और बस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? क्या नाम है आपका? समीम अंसारी। और ये काइड विश्राम स्थल के 10 नंबर गेट के बाहर ये सरकारी बसें लगी हुई है और ये जो जायरीन है ये सब आता है रसूल हिंदलवली ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने के लिए यहाँ पर सब मौजूद है। इन बसों का नाम मात्र चार्ज है, जाने का सिर्फ 10 रुपये है और वापसी का किराया 8 रुपये है। तो राजस्थान सरकार ने और दरगाह कमेटी ने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 10 है और गेट नंबर 10 से हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये हम पहुँचे हैं काइड विश्राम स्थल में और ये टीन का शेड लगा हुआ है। यहाँ पर किस तरह का इंतजाम है हम अंदर चलेंगे और जायरीनों से भी बात करेंगे और आपको पूरी मालूमात देंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई थी तब यहाँ की जो तैयारियाँ थी वो हमने आपको दिखाया था। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा काइड विश्राम स्थल पूरा भर चुका है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आ चुके हैं। ये बताओ, आप तो यहाँ जो कैंप लगे इसमें कितना आपको आराम मिला? रात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सर, आराम तो बहुत मिला, सफर में आराम की आज जरूरत है। अच्छा, दरगाह शरीफ कहीं नहीं गए अभी? कभी नहीं गए। अभी नहीं गए, आप जाओगे? जी सर। तो रात में उतरे हैं आप यहाँ? रात में 9 बजे आए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। तो देख सकते हैं यहाँ जो कोई पानी नहीं पूछा यहाँ है? कोई पानी तक नहीं पूछा। पानी तो कौन पूछेगा, आपको ही पीने लगे। अच्छा, इतनी फैसिलिटी अच्छी यहाँ, सारी चिकित्सालय जितना इंतजाम लाइन सही है। अभी उतरे हो? अभी उतरोगे तो सब यहाँ की फैसिलिटी इंतजाम लाइन सही है। का पूरा ठंडारा, कहीं एक ढाबा नहीं मिला कि खाना खा ली। अखाना इंतजाम बढ़िया रहा, इंतजाम यहाँ पर तो लंगर वगैरह का भी इंतजाम लग रहा है। आप लोग हम यहाँ उतरे 4 बजे, हाँ तो लंगर वगैरह बताया गया, यहाँ लंगर बढ़ रहा है। लेकिन जब हमारे पास मतलब हम लोग पहुँचे लंगर वाइफ है वो चल नहीं पाती है, उनको छोड़ के हम कहाँ जाए? लंगर में लाइन लगा है, उनको पानी और जा लंगर वाले तुमका दिए ही न लगे, हर जगह ढाबा रहा था। अभी नहीं जाना तो आप पहली बार आएगा, ये 50 साल ढाबा रहा थे। तो पहले से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले के मुकाबले भी यहाँ कमी आज है? आज 60% बहुत कमी है, 40% होटल में कमी है। अच्छा, मुसलमानों की व्यवस्था कमी है। सही कह रहे चाचा, होटल बहुत कम है सर। 40% खत्म, जो 30% जो 30 रुपए में सर सब्जी मिलती थी वो 70 रुपए में। इसके पहले हम लोग आते थे हर चीज का सुविधा, पर साल 30 रुपए में सब्जी मिलती थी सर। हर साल मैं आया था पहली बार तो 30 रुपए में प्लेट मिलती थी। अच्छा, और आज वही प्लेट 70 में है। अगर कम ढाबा ना होता सर तो क्यों महंगाई होती? महंगाई तो झेल रहे हम। रोटी जल रही, रोटी जल रही है। तो भी चारों तरफ यहाँ भी महंगाई का असर ही देखने में, महंगाई की बात लग रहा है। कम से कम महंगा हो लेकिन खाने के तो मिले। अब रात को हम क्या बताएं कि कैसे कर गए? यहाँ मेला में आते थे तो जगह नहीं रहती थी, इस मेले में जगह नहीं रहती ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ। लेकिन आज चले जाओ मन ही नहीं लगा। कितने साल से आ रहे हैं आप मेले? अरे मेला में तो हमारे इन करीब 16 साल से। अच्छा जी, चलो ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? ठीका आपके? हाजी मोहम्मद सब्बीर। कौन है जिला से आप बताएं? फैजाबाद अयोध्या। फैजाबाद अयोध्या, हाँ ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर जो अयोध्या से लेटरिंग में आप जा नहीं सकते, लेटरिंग में आप जा नहीं सकते, नल जल नहीं रहा है। लेटरिंग में आप जाए पूरी लेटरिंग भरी पड़ी है। हम लोग भाग के बाहर जाते क्या करें, उसमें बदबू की मारे ज्यादा शिकायत करेंगे हम लोग और फंस जाएंगे। अरे फंसे जेल में डाल दिया है क्या वजह और क्या करिए? ये जिंदगी कौन अब आखिरी चल रही है नहीं। तो कमी बताओ आप, क्या कमी लग रही है आपको यहाँ पर? बहुत लंबी लाइन लग रही है वहाँ पे, जहाँ पे कैंप पे तो होना चाहिए कम से कम एक आध बोर्ड जो। अच्छा, कैंप पे यहाँ बोर्ड नहीं है? कैंप नहीं है, उधर है। हाँ अलग है उधर। अच्छा, आप कहाँ से हैं? और मतलब और यहाँ जो आपके रुकने की व्यवस्था है यहाँ तो कोई कमी नहीं है ना चार्जिंग? नहीं, नहीं, ये तो ठीक है, कोई यहाँ ठीक है, कोई ठंड वंड तो नहीं लगी? ठंड तो है, ठंडी है, ठंड तो है, मगर जितना पैक करा के रूम की तरह पैक कर दिया। हाँ ठीक है, बाकी तो खाली चार्जिंग की सुविधा नहीं है, चार्जिंग की सुविधा बाकी तो सब बढ़िया है यहाँ पर। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी से, तो देखिये आप यहाँ जो यूपी और भी जगह के लोग, यूपी बिहार सभी जगह का यहाँ पर जो जायरीन है वो सब यहाँ पर ही रुका। यहाँ महंगाई है और कुछ यहाँ पर थोड़ी बहुत चार्जिंग वगैरह की भी कमी कैंप में बताइए। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं। अभी आप
आपने देखा कि यहाँ पर कायड विश्राम स्थल के लोग शिकायतें कर रहे हैं कि पिछली बार बड़ा सस्ता हुआ करता था खाना, इस बार बहुत महंगा है। तो आइए और भी हम जानते हैं, लोगों से मिलते हैं और आपकी बातों को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। शायद इस वीडियो को देखकर शासन प्रशासन आपको अच्छी सुविधा दे सके। देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव के लोग आए हैं वो खुद ही खा रहे हैं, खा रहे हैं। कैसा लग रहा है सरकार गरीब नवाज में आके, ये बताओ आप तो कैसा लग रहा है यहाँ आने बाद अजमेर शरीफ? अच्छा लग रहा है। कब आए थे यहाँ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। दरगाह शरीफ गए नहीं? गए दरगाह गए? अब जाओगे? चलो ठीक है जी। इधर चाचा को बस बाहर खड़ी है, बस 10 रुपए किराया। चाचा पकड़िए, बताइए यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी आपको अजमेर शरीफ उर्स मेले में लगी? यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी है, पानी की है, संडास की है, बाथरूम की, हर चीज की सुविधा है। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? अकोला महाराष्ट्र। क्या कितने बस में? बस आई है आपकी पूरी? हाँ। अच्छा ठीक है। आप क्या नाम है आपका? लतीफ शाह। टोटल आप लोग अकोला से कितने लोग आए होंगे? हम लोग तो कम से कम 70 लोग। कितने लोग पहुँचे हैं आप? 40-45 पहुँचे। पिछले साल के मुकाबले इस साल में कैसा इंतजाम है? पिछले साल बेहतर था या उससे बेहतर अभी है? अभी बेहतर है, पिछले साल से बेहतर है ना जी। आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए, कोई चीज कमी नजर आती हो तो? चलो लाइव जियारत। सभी जायरीनों की अपनी अपनी राय है, किसी को इंतज़ाम यहाँ का बहुत बेहतर लग रहा है, अगले साल से भी बेहतर लग रहा है, और बहुत से लोगों को कमियाँ नज़र आ रही है। तो सबकी अपनी अपनी राय है। आइए हम आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं और यहाँ पर जो भी दुकानें हैं दुकानदारों के क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से जगह जगह पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया है और ये सामने कैंप है। दोस्तों अजमेर शरीफ के उर्स मेला में कायड विश्राम स्थल में और यहाँ पर तरह तरह की दुकानें लगी हुई है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे दुपट्टा हो। ऐसे में यहाँ पर नकाब की भी दुकान हमें नजर आ रही है। हम दुकान में चलेंगे और यहाँ पर किस तरह की वैरायटी है नकाबों की उसको हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी नकाबों की वैरायटी है। और आपको अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या डिस्काउंट मिल सकता है? ये अवाया होता है दुबई पैटर्न, इस पर हैंडवर्क होता है, हैंडवर्क जो है ख़राब नहीं होता। और ये हम बेचते हैं जी 800 रुपीज़ के। जायरीनों से हम कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं लेते। और ये होता है हमारा नायरा कट होता है, ठीक है, ये हमारा नायरा कट होता है, सीपी पे होता है, ये सारा नगों का काम होता है इसके अंदर। और इसमें बैक में भी काम होता है, इसमें फ्रंट भी होता है और बैक भी होता है। ये भी हम जायरीनों को देते हैं 900-950 रुपए, इसे हम बेचते हैं 900 रुपए तक। आप अगर जायरीन हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक आए जी तो कुछ उनको अलग से रियायत मिलेगी? अगर नाम बताता है तो आपको हमारे चैनल पर आप बताएंगे तो आपके माध्यम से अगर जायरीन हमारी दुकान पे आते हैं, अगर हमसे मोल भाव नहीं करेंगे तो हम 750 रुपए में 900 रुपए वाली आइटम हम उन जायरीनों को आपके माध्यम से जो आएंगे 750 रुपए में देंगे। अच्छा, मतलब ये रियायत मिल जाएगी जायरीन को? और भी जी, और भी शुक्रिया आपका कि आपने इतना बताया हमारे हाथ से करा। तो आप और आपके पास और क्या क्या वैरायटी है आगे? ये होता है निकल जाओ भले से जी जी, फोर पल्ला होता है, ये फोर पल्ला होता है, इसे काप्तान भी कहते हैं, परिवाला भी बोलते हैं। ये फोर पल्ला होता है, ये इसके चार पीस होते हैं, एक दो तीन और चार। ये हैंडलॉक होता है, इसमें एक दुपट्टा होता है, सफर जैसे बैग में काम भी होता है। ये हम देखते हैं 1050 रुपए का। और आपके माध्यम से अगर हमारे पास कोई भी जायरीन आते हैं
हम 800 रुपए में देंगे 800, वो रेट हमसे कम नहीं करें। दिल्ली वालों के नाम से आजाद ट्रेडर्स के नाम से हमारी दुकान है। अच्छा, हमारा कार्ड है दिखाना भाई, ये हमारा कार्ड होता है ना, आजाद ट्रेडर्स के नाम से हमारी दुकान होती है। हम हिंदुस्तान के जितने भी उर्स हैं, बड़े हों छोटे हों, सारे ही उर्सों में हमारी हाजिरी होती है, हम जाते हैं। अजमेर शरीफ का उर्स आते हैं, अजमेर शरीफ के उर्स में भी हमारे साल आते हैं। रोशन जहां, कितना डिस्काउंट यहां पर देते हैं? अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, रोशन जहां अंबेडकर नगर के रहने वाले जहां कहीं भी हो हमारी टक्की के पास पहुंचे, उनके साथ ही उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम तौफीक अहमद है। आप पिछले कितने सालों से यहाँ पर उर्स में दुकान लगा रहे हैं? 4-5 साल से लगातार। अच्छा, आपके पास क्या क्या है दुकानों में? हमारे साथ जैकेट है साहब। जैकेट के क्या रेट हैं? रेट इसके 550-750 रुपए। अच्छा, सभी रेंज के मिलेंगे। और बच्चों के? बच्चों के मिलेंगे 350-400 रुपए तक। अच्छा, दिखने में जो हल्की हो लेकिन गर्माहट ज्यादा हो, ऐसी कोई जैकेट दिखाइए आप। चीटर मिलेगा, दिखाओ। गर्म, हाँ, कितने का ये? 450। 450। अगर कोई हमारी वीडियो देखकर अगर आपसे कांटेक्ट करता है तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट क्या, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, फिर भी 450 रुपए। तो ये भी एक जैकेट पे, मतलब 450 का है तो 400 का मिल जाएगा। आपका क्या नाम है? तौफीक अहमद। आपका कॉन्टेक्ट नंबर बता दो, जिससे कोई आना चाहे तो आपको कॉन्टेक्ट करके आ जाओ। 98-373-73-72 कैड विश्राम स्थल अजमेर मेला। जी ठीक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कायड़ विश्राम स्थल में तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। इसके पहले जब हम आए थे तो यहाँ के लोग बहुत निराश थे, शासन प्रशासन से लड़ाई कर रहे थे, और जो भी है देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है, फिर आप बताते हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कितना चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए गए हैं। ये जो इमारत नजर आ रही है, 3 मंजिला इमारत है, इसके अंदर खास मेहमान खाना इसे कहते हैं। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा कुमार। अच्छा, आप अजमेर के रहने वाले हैं? तो ये पिछले कितने सालों से आप दुकान लगा रहे हैं? हमेशा लगता है। अच्छा, तो न्याज में आपके पास क्या क्या वैरायटी है? वैरायटी है जो सुवन है, हाँ, राशी दाना है, हाँ, मूंगफली दाना पत्ती है, हाँ हाँ। इनके क्या दाम होंगे? खजूर है, मूंगफली का दाना है या सुवन। इनका क्या दाम होगा, कैसा किलो होगा? 60 रुपए का। 60 रुपए का एक पीस? एक किलो नहीं है, एक पीस। ठीक दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर न्याज की दुकान है, चाचा बहुत पिछले काफी सालों से लगाते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ का और भी कायड़ विश्राम स्थल का नजारा दिखाते हैं, किस तरह की दुकानें सजी है वो हम आपको बताते हैं। तो है 150 का हाथी रोचा है घोड़ा, 150 का जोड़ा ये है, 100 का जोड़ा है ये 100 का जोड़ा है, ये 100 के 4 है, 100 के 4 बुलबुल के बच्चे हैं, 100 के 4 सब बढ़िया बढ़िया माल है। देखो ये 150 में है पूरा माल, कोई भी ले लो। 100 रुपए में दो है, बाकी सब मिलेगा ये स्कोर वाला 100 रुपए में मिलेगा, ये 150 में, बाकी ये 150 का 2 है सारा। 150 का जोड़ा पर जाना जी, आना अफसाना इधर को आना, 150 में दो लेके जाना इधर, ए मुनवा के लिए सुनवा के लिए ले जाओ, 150 में दो जोड़ा दे रहे, 150 का जोड़ा, तीन हो चाहे घोड़ा, 150 में 2। उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी फिट्टी मार्केट है, किस तरह से लोग आवाज दे रहे की चीजें बेच रहे हैं, हाथी हो गया घोड़ा 150 रुपए में घोड़ा। और भी आगे यहाँ का क्या माहौल है, मेला की बात ही अलग होती है, मेला की रौनक ही अलग होती है, मेला का पूरा माहौल बताएंगे। लेडीज सूट बेच रहे, कौन कौन से सूट है? लेडीज सूट है हमारे पास, इनको है सब तरह का है। कितने कितने रुपए में? 200-200। कलर की गारंटी है? हाँ जी। कोई भी चीज 200 रुपए में? जी। कितने दिनों तक दुकान है आपकी? हमारी दुकान जब तक ये 8-9 दिन तक मेला भरेगा। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं आप? तो अब फर्स्ट बार आए हैं, लगाते रहते हैं। कहाँ से आए, कौन से शहर से? मुजफ्फरनगर। आपका नाम? सैफ अली। चलिए देखते हैं यहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़ों के क्या दाम है, क्या रेट है,
अब यहाँ के दुकानदार से पूछते हैं, जानना चाहते हैं। जरा बता दे कौन कौन से नाम बता दो कपड़ों को, ये बच्चों को। चिकन का कुर्ता पजामा है, पठानी भी है, ये पठानी है, ये शेरवानी भी रख रखी है, दुआई वाला भी लगा रखा है। सब अलग अलग मतलब 200-250 है। कितने साल तक के बच्चों के आपके पास में? 10 साल तक के बच्चों के। अच्छा, पर अभी दुकानदार ने बताया कि इनके पास फिक्स रेट है 150-200-250, तो आपको जो समझ में आए आप ले सकते हैं। यहाँ पर मोल भाव नहीं है उनके पास, और देखते हैं यहाँ पर क्या हाल है। वैसे एक कम्बल कितने तक का, कितने वजन बैठ जाता, कौन सा कम्बल कौन सा वजन का बैठ जाता? 500 रुपए से स्टार्ट है, 2 केजी से 7 केजी तक का ब्लैंकेट। कम से कम 2 केजी का कम्बल बैठता है, तो जरा एक आध कम्बल की वैरायटी बताओ जो सही। ये है देखो, सूर्या का, और ये आ गया BRB का सुपर सॉफ्ट है, कोल्ड एकदम, हाथ दे के देखो कितना भालो फिनिशिंग है इसका, एकदम सॉफ्ट है। इसका कितना वजन बढ़ जाता है, इसका कितना केजी बढ़ जाता है? 4 केजी। अच्छा, ये 350 रुपए केजी है। कहाँ से आए आप लोग? यूपी उत्तर प्रदेश से। क्या मेले में, अजमेर शरीफ में और भी मेलों में आते हैं आप? वो है ना फरिश्ता होटल, उसमें 12 मासी दुकान रहता है। अच्छा अच्छा, जो अजमेर में है फरिश्ता होटल। अजमेर शरीफ मेला कैड विश्राम स्थल का ये चौराहा है, खाने की होटल की तरफ ये तीर का निशान बता रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के, कैमरा घुमाकर चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। ये क्या है? हमारे पास पैनिस है, गुंडी पर है, और ये 250 रुपए किलो कंबल आता है, और हम 10 रुपए किलो और कम बेचते हैं। अजमेर में मेरे पर और क्वालिटी हमारे पास है 607 गुंडी पर, अनदिया, सूर्या और तुम्हारे ये लीजिए वनीजिए सब बेचते हैं। अच्छा, ये बताओ सर्दी के तरफ से सबसे बेस्ट कंबल कौन सा कहलाता है? सबसे सूर्या का। तो वो मतलब लगभग कितने केजी का, केजी का हिसाब है या पीस हिसाब? 2 से लेके 8 किलो तक आता है सर। अच्छा, और क्या किलो है वो? सबसे सस्ता भी है, गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता है, 200-180 रुपए आता है वो। दिखाएंगे आप? ये बताओ कि अगर अभी आपको हम दिखा रहे हैं और हमारी वीडियो के माध्यम से कोई हमारे चैनल का नाम बता दे आपसे लेता तो कुछ डिस्काउंट अलग से करेंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, अलग से कर देंगे आप डिस्काउंट। बताए आप कौन सा कम्बल है जो आप सूर्या का कम्बल बता रहे? सूर्या का कम्बल निकाल के दो भाई। ये आता है सूर्या का कम्बल, ये सबसे सस्ता कम्बल होता है, सबसे अच्छा। 250 में कर दिया, 300 वाला कम्बल 250। ये हमारे बॉस है और इनसे बात कराए। ये है कम्बल, वो ये वो कम्बल है जिसमें सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे ज्यादा अच्छा। अच्छा, बेस्ट। और जो जो महंगे कम्बल है उनमें ठंड भी नहीं रुकती है, सब फर्जी। स्टार्ट करके बाद जाने से अच्छा है, 100 के 3 टाइम दवाई का। देखिए ये सोने है, ये लुधियाना का सोने उलन वाला, ये केवल 100 रुपए में है। ये देखिए, ये 250 रुपए का सोल, ये भी केवल 100 रुपए में चाइनीजों के लिए। देखिए कौशल के पत्ते हैं इधर, केवल 150 रुपए में 5-30 रुपए का एक है, जायरीनों के लिए। ये देखिए इधर सब वैरायटी है, सभी तरह का माल है, सस्ते रेटों में है जायरीनों के लिए।
कहाँ की दुकान है आपकी, कौन सी दुकान की है? यूपी की है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट में बहुत ही सस्तों में शॉल मिल रहे हैं जो आप ले सकते हैं सिर्फ 600 रुपए में। ये बुलंदशहर वालों ने दुकान लगा रखी है। बुरकों का क्या नाम है और क्या रेट है? इसका नाम है जी अबाया, इसको बोलते हैं अबाया बुरका। कितने का है ये? 750 रुपए का है हमारे पास, ठीक है ना। और इसमें हम गुंजाइश भी करते हैं, ग्राहक को 600 रुपए तक का, 550 रुपए तक का दे देते हैं। और बहुत सारी वेरायटी हमारे पास गुलाब की, जितनी भी ये वेरायटी सब बुर्क होगी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये सब बुर्क होगी है। एक ये है, एक ये है पाकिस्तानी, एक ये है चार स्तर में काप्तान, ये चार स्तर में काप्तान है। और क्या इसका? ये हमारे पास 700 रुपए का है। अच्छा, 700 रुपए में? ये 700 रुपए का है। यहाँ पर बहुत मंदा देते हैं हम, इसमें 8 कलर है हमारे पास। हाँ, ब्लैक लगा के 10 कलर हो जाते हैं। और फिलहाल में अभी ये पीस भी बहुत चल रहा है, ये कोई इसमें 450 का है, कोई 500 रुपए का है, कोई 550 का है, इसमें सब मिक्स लगे हुए हैं हमारे पास। अच्छा, अपने लिए घर के लिए चाहिए होगा तो कौन सा बेहतर है? अपने लिए घर के लिए चाहिए तो ये इस टाइम पे बेहतर है, ये सबसे ज्यादा चल रहा है, कपड़ा भी अच्छा है। कितने का अच्छी है? इनमें हमारे पास 450 रुपए का भी है, 500 रुपए का भी है, दो तरह का है इसमें। आपका नाम बता दो और आपका नंबर बता दो। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है और नंबर मेरा 82-85-422-938 नंबर है। कोई हमारा चैनल देखकर अगर आपको कांटेक्ट करता है तो उसको डिस्काउंट क्या देंगे? फ्री डिलीवरी देते हैं, तो सब कुछ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों ये जो इमारत देख रहे हैं, ये इमारत है मेहमान खाना। ये कायड़ विश्राम स्थल में, अजमेर के कायड़ विश्राम स्थल में ये बना हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस तरह का माहौल है, किस तरह का इंतजाम है। इसके पहले जब हम आए थे तो भी हमने आपको दिखाया था और अब मेहमान दूर दूर से आ चुके हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, आप देख सकते हैं बाहर भी कितना खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत मंजर है। दोस्तों हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर बनारस से जी, तो अजमेर शरीफ चादर तक लेके आएंगे क्या? जाएंगे के चादर लेके जाएंगे ना, लेके शाम को। अच्छा, शाम को 7 बजे चादर देंगे, 7 बजे यहाँ से डायरेक्ट दरगाह जाती है। मतलब यहाँ से मुसाफिर खाने से चादर जाती है, उनमें ज्यादातर आप ही ढोल बजाते हैं? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, हमारे नाम है मोइनुद्दीन जी सर, हम आते हैं हर साल आते हैं। कौन सी ढोल बजाते हैं आप? पंजाबी। हाँ बताओ। मुराद पूरा होता है, मांगो उसी से जो दे, खुशी से मत कहे किसी से, वो खाजा देता है। यहाँ कोई क्या देगा, देने वाला वो बैठा है जिसके पास आए। मेरा यार बात का मुझे कोई गम नहीं, उसी से देने खा रहे, खिला रहे, 4 बच्चे खा रहे हैं। साल भर कमा के जाते, एक साल में एक बार आते, साल भर खाते हम लोग खाजा बाबा के। राजा फकर में जाता हूँ, जाता हूँ पूरे तरह जाता हूँ, खाजा थाना जाता हूँ, सामर अकबर
कायर विश्राम स्थल से चतर ले जाना चाहता है तो आपसे किस तरह संपर्क करेगा, किस तरह आपसे कॉन्टेक्ट करेगा? सरकार के काम है, नंबर भी है, मोबाइल नंबर। सरकार नंबर दे देगा, कौन तेरा है खुशी तो हजार दो हजार ले लेते हैं, दस हजार ने पाँच हजार, सरकार के काम होगा एक हजार देगा दो हजार ले लेगा। आप कॉन्टेक्ट नंबर बता दें ताकि जो मोबाइल नंबर दे दो भाई, मोबाइल नंबर 9339333 है ना, उसके बाद 3285940। अच्छा, इस नंबर पे अगर कोई कॉल करके आपको कहेगा खाजा साहब में चद्दर लेनी है तो आप लोग ले जाएंगे? आराम से आराम से आराम। कहाँ भी की कौन सी जगह खिलाती है जहाँ आप रुके हुए हैं? ये कहर में, कहर में पर पक्के कैंप में रुके हुए हैं, मुसाफिर खाने में। चलिए ठीक है, पंजाबी ढोल बनारस से रहने वाले। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कायड विश्राम स्थल के मेहमान खाना का है और क्या माहौल है, क्या नजारा है। और अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर से भी आपको नजारा कराते हैं। देख सकते हैं प्रशासन ने कितना बेहतरीन इंतजाम किया है, ठंडी का मौसम है इसके लिए चद्दर दरी सब लगाई हुई है ताकि लोगों को रहने में कोई इंतजाम परेशानी न हो। और अभी पूरी तरह से ये भरा नहीं है, लोग आ रहे हैं, आज उर्स का दूसरा दिन है, लोगों का आना जारी है। और ऐसे में हम आपको यहाँ का और भी क्या माहौल है, क्या नज़ारा है तो बताएंगे। देखिए ये कुछ गांव से लोग आए हैं जो सरपत का बिस्तरा बना हुआ है जिससे इसमें ठंडी कम लगती है, वो बिछाया गया है। और चलते हैं आपको और नज़ारा करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ से रिलेटेड किसी तरह की और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट्स बॉक्स में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट पर हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। पीने के पानी के लिए भी यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम किया गया है। और ये दूसरा फ्लोर है, मेहमान खाना का दूसरा माला है, यहाँ पर भी जायरीन काफी दूर दूर से आ चुके हैं। कायड विश्राम स्थल का किस तरह का नजारा है, किस तरह का माहौल है दोस्तों आप देख सकते हैं। बहुत ही हिंदुस्तान के कोने कोने से, दूर दराज से, गांव गांव से लोग यहां पहुंच चुके हैं ख्वाजा गरीब नवाज के मजार अकद्दस पर जाने के लिए, लोग बेताब हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कायड विश्राम स्थल अजमेर मेला का कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत माहौल है। जायरीन अभी भी दूर दूर से आ रहे हैं और ये सामने जो दिख रहा है इसमें भी मेहमानों के रुकने का इंतज़ाम किया गया है। और ये मेहमान खाना की इमारत नज़र आ रही है, हम आपको कैमरा घुमाते हैं और यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरा मेला लगा हुआ है जिसमें तरह तरह की दुकानें सजी हुई है। दोस्तों जैसा कि कायड विश्राम स्थल का हमने पूरा आपको नज़ारा दिखाया, यहाँ के दुकानदारों से मिलाया और आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमने दी, तो कायड विश्राम स्थल पे आपको बता दें कि बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं जायरीनों के रहने के लिए। और जायरीन अभी आ रहे हैं और सामने जो तम्बू है वो तम्बू का रेट अलग है, वो मुफ्त में नहीं है। लेकिन यहाँ पर कायड विश्राम स्थल पे सामने जो टीन का शेड है और इसके अंदर और टोटल मुफ्त में रहने का इंतजाम है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अजमेर शरीफ उर्स से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे।